गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और इधर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप, मैं यहाँ आपको इवनिंग का रूटीन शेयर करूँ क्योंकि मैंने कई बार मॉर्निंग का रूटीन दिखाया, इवनिंग का आज तक नहीं दिखाया मैंने आपको। और ये मेरी चाय बन रही और यहाँ मैंने बच्चे के लिए ओट्स बना दिया, तो क्योंकि मॉर्निंग दे देती हूँ, वैसे खाता नहीं लेकिन कभी कभी मन आ जाए तो खा लेता है। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई, तो आइए फ्रेंड्स पी लीजिए आके आप लोग भी चाय। तो ये देखिए, और ये देखिए मेरे बच्चे की शरारत, ये लॉन्ड्री बास्केट का, और वो डाल दिया आके निकाल के, ये तुरंत खोल देता है सारा काम। बच्चे यूं ही करते ही हैं, किसी के भी घर में बच्चे हों तो बहुत शैतानी करते हैं, काम एक करो दूसरा फैलाते हैं। ये देखिए अब चाय के पीछे आ गई है, तुरंत कोई भी चीज़ तुरंत भागते हैं ऐसे कि हाँ चलो मैं इसको फैलाऊं। तो मैं यहाँ आपको इवनिंग का मेरी चाय बन गई, पी लिया मैंने, और यहाँ मैं आपको अब और दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ खीर बना रही हूँ, तो खीर बनाने के मैंने कि चलो आज खीर बना ली जाए, थोड़ा आ गया मन हस्बैंड का, तो मैंने कि चलो को बना लेती हूँ। तो मेरी यहाँ खीर बन रही है और बनने रख दी मैंने। ये देखिए, क्योंकि कोई भी काम, और फिर मैं ये थोड़े झंझट वाले काम शाम के टाइम ही करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे ऐसे टाइम नहीं मिलता है। ये मैंने साबूदाना ले लिया, और साबूदाना और चावल मिक्स करके मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और ये देखिए मैंने बनने रख दी है, और उसके बाद मैं फिर और काम देखती हूँ। यहाँ मैंने ये कढ़ाई रख दी है, थोड़ा चावल और साबूदाना भिगो देती हूँ, तो मेरे वो भीग रहे हैं तब तक। फिर मैं ये मैंने घी निकाला है, मैं घर पे ही घी निकालती हूँ, दूध आता है तो मलाई कोई लेता नहीं है, तो मैं उससे वो घी बना लेती हूँ, तो शुद्ध भी हो जाता है कि चलो शुद्ध घी है। तो ये मैं अब चावल थोड़े से फ्राई करूँगी इसमें, क्योंकि थोड़े से चावल तलने के बाद, और फिर मैंने चावल ठंडा करने रख दिए, उसके बाद मैं आलू बॉईल हो गए तो मैंने कि चलो आलू फोड़ लेती हूँ, तो ये भी तैयार कर दूँ। और ये देखिए मेरे चावल ठंडे हो गए, और मैं इसे थोड़ा सा दरदरा सा मैं इसे मिक्सी में कर लूँगी, तो इससे खीर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से फ्राई चावल, फिर उसे थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सी में डाल के एक बार कर लो, तो अच्छा बहुत टेस्टी खीर बनती है मेरी तरह, क्योंकि मेरी बहुत स्पेशल खीर हो जाती है। कभी मेरी तरह आप लोग भी कभी बना के देखना कि कैसी लगती है आपको। और ये देखिए मैंने डाल दिए चावल, स्टार्टिंग में थोड़े से चलाने पड़ते हैं क्योंकि चिपकने का डर रहता है कि चावल कहीं तली में ना लग जाएं। इससे ये देखिए मैंने मेरे चावल पड़ गए, तो मैंने कि चलो अब इसे थोड़ा सा जी बनते रहेंगे, खीर बनेगी तब तक मेरा और काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही बनने रख दी। अब मेरे इधर मैंने आलू भी मैश कर लिए, और मैंने इधर सारे मसाले, ये मैंने काला नमक डाल रही हूँ, धनिया, हरी मिर्च में डालती हूँ क्योंकि लाल मिर्च मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च का थोड़ा मुझे टेस्ट कम अच्छा लगता है। हरी मिर्च हरे धनिया वगैरह बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया, हींग भी डाल देती हूँ, सारे मसाले मैं ऐड करके अब इन्हें थोड़ा सा मैश करूँगी। ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। मेरी थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी भड़बड़ाहट सी आए आवाज़ में। तो मैं यहाँ पे
ये आलू मैश कर रही हूँ अच्छे से मैश करके। ये तब तक मेरी खीर बनी जा रही है, क्योंकि साथ साथ में दो काम हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाता है कि चलो ये बन रही है तब तक ये भी कर लूँ और इसके बाद फिर मैं और काम वो आटा वगैरह लगा लूँगी। ये मेरी छोटी सिस्टर, ये भी यहीं पढ़ती है तो मैं इसे बुला लेती हूँ, कभी कभी आ जाती है। ये मेरी खीर बन रही है, तब तक मैं फिर आटा लगा ले रही हूँ। ये मैं आटे में थोड़ा नमक नमक मिक्स करने पर थोड़ी टेस्ट अच्छा आता है, कचौड़ी पराठे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये इधर मैं ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरी खीर तैयार होने वाली है तो मैंने कि चलो ड्राई फ्रूट भी निकाल लिए जाएं। ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट, चीनी मिक्स कर दी मैंने और ये ड्राई फ्रूट भी थोड़ी कर लूँगी। तब तक ये मैंने आटा थोड़ा सा वो करके रख दिया तो ये भी सेट हो गया। अब मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा चला लेती हूँ। ये मैं चीनी डाल दे रही हूँ, अच्छी रहती है। सावन में लोग कहते हैं कि खीर बनानी अच्छी होती है, हमने चलो बना ली जाए। वैसे मीठी चीज़ें हम लोगों को कम ही पसंद आती हैं, कभी कभी हो जाता है कि चलो बना लूँ। ये मैं ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर रखूँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी फूल जाएं और चीनी भी तो घुल जाए। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसे, थोड़ा बनने के बाद मैं इसे उतार लेती हूँ। ये मैं थोड़ी स्लिप साफ कर दी। अब मैंने कढ़ाई रखे, ऑयल डाल दिया, मैं कचौड़ियाँ सेकने लगूंगी। तब तक मेरी ये तैयार हो रही और सब लोग क्योंकि शाम के टाइम कभी कभी ऐसी चीज़ें बनाने का शाम को ही मैं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना ही भागम भाग होता तो उसमें सुबह नहीं मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ। तो मेरी ये कचौड़ी तैयार हो गई, अब मैं हस्बैंड को लगा दे रही हूँ।